और अब खबर दिल्ली एनसीआर से। गुड़गांव का पौश इलाका सुशांत लोक, जहां पर एक मॉडल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल असम की मशहूर मॉडल और अभिनेत्री विदिशा का शव पंखे से लटका हुआ मिला। उनके पिता का ये आरोप है कि उनके पति ने उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाया। आप लोग सकुके आंतरिकतार आदरी न पुरानी शिल्पी कंठरे आम सजा आनीसू आज ये शराय गुड़गांव के इसी पौश सुशांत लोक इलाके में दो दिन पहले असम की मॉडल और मशहूर रेडियो जॉकी विदिशा बेजबरुआ किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। मंगलवार देर रात एक कॉल पर जब इस सोसाइटी में पुलिस पहुंची तो खलबली मच गई। खबर फैलते देर नहीं लगी कि बी ब्लॉक के फ्लैट से विदिशा का पंखे से लटका शव मिला है। पुलिस के मुताबिक विदिशा ने खुदकुशी की थी। सुशांत लोक बी ब्लॉक 91 हाउस नंबर में जो लड़की ने सुसाइड किया हुआ है पंखे से लटकी हुई है। जैसे ही सूचना हमारे को मिली, हमारा SHO साहब, हमारी जो पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची, पहुंचने के बाद वहाँ पे जो हमारे FSL टीम वहाँ बुला ली थी, दरवाज़ा ऑलरेडी फायरमैन ने तोड़ा हुआ था। जैसे वहाँ देखा तो पंखे से लड़की जो झुली हुई थी, उसका हमारा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो भी हमारी प्रोसीडिंग है वो करने के बाद हमने डेड बॉडी को उतारा। उधर विदिशा के पिता ने खुदकुशी के लिए उसके पति को कसूरवार ठहराया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने विदिशा के पति निशित झा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। विदिशा की शादी साल भर पहले ही गुजरात के युवक निशित झा से हुई थी। आज आबेली ए प्रभात संगीत अनुष्ठान आप लोग सकुके आंतरिकता आदरी। निशित एक निजी कंपनी में बतौर सेल्स मैनेजर कार्यरत है। उन्होंने कम्प्लेन कर दी लड़के के खिलाफ उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसी 306 IPC से हमने फैलोज की हुई है। अरेस्ट कर लिया सर क्या इसके पति को? हाँ, लड़के को अरेस्ट कर लिया इसके स्पेंडिंग। मामला संदिग्ध है, लिहाजा असम के सी जिन हालात में विदिशा का शव मिला है यकीनन वो कई सारे संदेह पैदा करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नए घर में शिफ्ट होने के दो दिन के भीतर ही पति पत्नी के बीच ऐसा कौन सा बड़ा विवाद हुआ कि विदिशा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। नीरज वशिष्ठ, गुड़गांव आज तक। ऐसा लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन को आखिरी सांसें मिल गई हैं और तेजस्वी यादव की कुर्सी फिलहाल बच गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की, सफाई दी और शायद कुछ हद तक नीतीश कुमार को संतुष्ट भी कर दिया है। हालांकि ये अभ्यधान नहीं है, सिर्फ मोहलत है जब तक कि CBI चार्जशीट न दायर कर दे या फिर उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत न मिल जाए। CBI का शिकंजा कसने के बाद मंगलवार को तेजस्वी यादव पहली बार कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधी बात भी की। कैबिनेट मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव सीधे CM नीतीश कुमार के चैम्बर में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पहले तेजस्वी के साथ उनके भाई और कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप और अशोक चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन बाद में दोनों बाहर चले गए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव में करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो इस दौरान तेजस्वी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर एक एक पॉइंट पर सफाई दी। RJD का कहना है कि जो अटकलें चल रही थी उनकी वजह BJP की साजिश और आपसी संवाद की कमी थी। BJP वाले ताबड़तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं किसी हालत में महागठबंधन टूटे और श्री नीतीश कुमार को ललकार भी रहे हैं, कहीं प्रशंसा भी कर रहे हैं और कहीं कुछ माने उत्तेजना पैदा करा रहे हैं, तो इससे तो बचना चाहिए। और इनके मन में है कि जनता जान जाए कि ये बनावटी केस है, न तो शुरू में हम स्वीकार कर लें तो कहीं ये न बुझे जो सही में ये लोग दोषी है क्या, तो इसी इम्प्रेशन में अभी तक का मामला खिंचता चला आया। इस्तीफे का मतलब गुनाह पर खुद मोहर लगाना। इसी दलील के साथ सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा कि जो आरोप है उस वक्त वो सरकारी पद पर नहीं थे। ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस कैसे बन सकता है? तेजस्वी ने नीतीश को भरोसा दिया कि वो CBI केस को खारिज कराने और जमानत के लिए कोर्ट जाएंगे, अगर ऐसा ना हुआ तब उन्हें दोषी माना जाए। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का उदाहरण दिया, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में CBI केस के बावजूद जमानत मिल गई और वो अपने पद पर हैं। पश्चिम बंगाल में मदन मित्रा ने जेल में रहते हुए भी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, न ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको बर्खास्त किया। हालांकि BJP तेजस्वी की दलीलों को खारिज कर रही है। BJP का कहना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं। तो आपने 13 संपत्ति के मालिक तब बने,
जब दाढ़ी मोछ नहीं थी, और जब दाढ़ी मोछ होगी तो तेरा और संपत्ति के मालिक बन गए। तो बिफोर दाढ़ी मोछ एंड आफ्टर दाढ़ी मोछ, तेरा तेरा इधर तेरा उधर, कुल मिलाकर 26। और जैसा मैंने कहा कि दो संपत्ति के मालिक तब बने जब दुदमुहा बच्चा था। मुख्यमंत्री के इशारे के बावजूद, और मुख्यमंत्री का खुद बोलना आवश्यक नहीं है, उनके जो प्रवक्ता होते हैं, वो जो प्रवक्ता हैं वही उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी ओर से बोलते हैं। तो इसलिए तो मुख्यमंत्री के पद की अवमानना है, मुख्यमंत्री का अपमान है ये कि जबरदस्ती बने हुए हैं, शायद शहीद होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है, और फिलहाल वो तेजस्वी की सफाई से संतुष्ट हैं, यानी अब सीबीआई चार्जशीट का इंतजार करेंगे सुशासन बाबू। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। राजनीति में सबसे अहम है सत्ता हासिल करना, और इसके लिए राजनीतिक दल और नेता अलग अलग दांव भी चलते हैं। लेकिन सत्ता की बिसात पर अब गाय सबके सामने है, और छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि अब गाय के सहारे ही चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। गाय हमारी माँ है, ये तो निबंध का वाक्य है। सियासत में तो गाय सत्ता का साधन बनती जा रही है, जिसकी तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी दिखी। गौ सेवा के लिए जुटे इन लोगों ने छक सफेद कुर्ता पाजामा पहन रखा है, तो जाहिर है ये भगवाधारी भी नहीं जो कथित तौर पर खुद को सबसे बड़ा गौ सेवक मानते हैं। ये तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल हैं, साथ हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीमार और सड़क हादसों के शिकार गायों के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके लिए रायपुर में पार्टी ने एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर अपने गौ सेवा अभियान का श्री गणेश किया। नेहरू जी के समय में बैल जोड़ी हमारा चुनाव चिन्ह था, इंदिरा जी के समय में गाय बछड़ा हमारा चुनाव चिन्ह था। तो जो ग्रामीण भारत है उससे जोड़ के इसको देखा जाना चाहिए, और हम लोगों का तो बिल्कुल कृषि कार्य से संबंध होने के कारण से पशुधन से संबंध रहा है। कांग्रेस अपने इतिहास का हवाला दे रही है, क्योंकि खस्ता हाल वर्तमान से बाहर निकलकर उसे बेहतर भविष्य की तलाश है। अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, जहां पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस सिर्फ हार रही है। ऐसे में अब कांग्रेस बीजेपी को उसी के हथकंडों से मात देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की इस कवायद को बीजेपी अपनी ही जीत मान रही है। जाहिर है चुनाव के मद्देनजर गाय को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। बीजेपी इसे अपनी जमीन मानती है, तो कांग्रेस अब इसी गाय के बहाने बीजेपी की सियासी फसल चट करने की फिराक में है। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास आधा सैकड़ा यानी 50 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 37। लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच 1% से भी कम वोटों का अंतर रहा है, लिहाजा कांग्रेस को उम्मीद है कि गाय के सहारे ही सही वो चुनावी वैतरणी तो पार कर ही लेगी। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर आज तक। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मॉर्निंग स्पेशल में देखिए आतंकी घड़ियालों से लड़ेंगे सेना के मार्कोस कमांडर्स।